इंदौर शहर में गत रात्रि शहर के उषा राजे परिसर में रंगारंग फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्रह्म समागम स्वर्ण कल्याण समिति के द्वारा किया गया था, जिसमें देर रात तक यहां आए लोगों ने फाग गीतों के साथ फूलों की होली का आनंद उठाया। संस्था ब्रह्म समागम स्वर्ण कल्याण समिति पूरे साल सेवा कार्य में जुटी रहती है। इसके साथ ही अपने सदस्य व आम नागरिकों के लिए कई ऐसे मनोरंजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करती है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। विगत दिवस उक्त संस्था के द्वारा रंगारंग फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रसिद्ध भजन गायक बाबू राजौरिया और उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है और खुश नसीब होते हैं वो लोग, खून जिनका बदन के काम आता है, अपने हाथों को भरने में किसी की तारीफ। ऐसे करीबन 30 सालों से मैं माता जी के जगराते करता हूँ। माँ के जगराते मेरा पेशा नहीं है, मैं थिएटर मूवी लॉन्च करता हूँ, रिलीज करता हूँ। यदि आपने कोई कलाकार हो तो जरूर मिलिएगा। अभी अगले महीने मेरी एक फिल्म में और ऑल इंडिया रिलीज होने जा रही है, मेरी भाग्य लक्ष्मी, पति पत्नी की प्रेम कहानी, कॉमेडी से भरपूर वो फिल्म है, मेरी भाग्य लक्ष्मी। आप जरूर आइएगा और आपने कोई टैलेंट हो तो एक बार जरूर मिलिएगा। गंगवाल बस स्टैंड के पास केला माता मंदिर। फाग गीतों के साथ उस वक्त माहौल और परवान चढ़ गया जब मंच पर फाग गीतों के साथ कलाकारों ने भी अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। फाग महोत्सव में होली गीतों के साथ देशभक्ति का नजारा भी खूब सराहा गया। संस्था की प्रदेश अध्यक्ष जया तिवारी ने बताया कि वह हर साल जल बचाने के साथ ही पर्यावरण बचाव का संदेश भी देते हैं। उनके फाग महोत्सव में प्राकृतिक रंगों से और फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली जाती है, जिसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है। हम सब लोग होली मना रहे हैं और यहाँ सभी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रह्म समागम से भी जुड़ी हुई हैं और मैं ब्रह्म समागम की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस तौर पे हम लोग होली मनाते हैं और होली हमारे रंगों का त्यौहार है। जाति भेदभाव सबको छोड़ के हम लोग सभी भाईचारे से यहाँ होली मना रहे हैं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय नागरिकों के साथ शहर एवं प्रदेश की कई सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी हस्तियां भी मौजूद थी।